यीशु का मसा, यीशु का मसा है ना जो वो आपके आपको आनंदित रखता है। लोग सोचते हैं कि क्यों आनंदित रहते हैं इतना, अरे हम आनंदित ही रहेंगे, हमारा ब्लड ही ऐसा है। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पंजाब में प्रभु यीशु मसीह का इतना प्रचार हो रहा है, प्रचार के साथ साथ विरोध भी हो रहा है, लेकिन विरोधियों को इतना पता नहीं है कि जितना प्रभु यीशु का प्रचार हम नहीं कर पा रहे उससे ज़्यादा तो वो खुद कर दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं है और वो प्रचार करते हैं और प्रचार के बदले वो विरोध करते हैं। तो विरोध से भी बहुत से लोग जान जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और कुछ ऐसी ही आज एक टेस्टिमनी खामरा चर्च में भी आप लोगों को देखने को मिली है कि ऐसे एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था और कैसे प्रभु ने उसके जीवन को बदला। आप ही टेस्टिमनी को देखें। यीशु का मसा, यीशु का मसा है ना जो वो आपके आपको आनंदित रखता है। लोग सोचते हैं कि क्यों आनंदित रहते हैं इतना, अरे हम आनंदित ही रहेंगे, हमारा ब्लड ही ऐसा है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई भी लंबे समय से सिर्फ ऑनलाइन देख रहे थे, कहते जैसे विरोध हुआ और मैंने ज्यादा देखना शुरू किया चर्च के बारे में, और आज फर्स्ट टाइम चर्च आई। एक मिनट दोबारा से बोलो, जब टेस्टिमनी हो कोई कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजना चाहिए, बार बार मुझे तुम। अपोस्टल, ये भाई जो है आज फर्स्ट टाइम चर्च आए हैं, लगातार ये भाई कहते मैं ऑनलाइन देख रहा था, अभी जैसे विरोध बढ़ा तो ज्यादा देखने लगा चर्च के बारे में। जब विरोध बढ़ा तो मैं ज्यादा देखने लगा। आप बताओ। और अपोस्टल, ये भाई कहते हैं ये छत से गिर गए थे एक साल पहले, और दोनों टांगों के ऑपरेशन हुए, एक टांग कहते हैं कि तीन जगह से टूट गई और दूसरी टांग भी एक जगह से टूट गई थी, और ये लंगड़ा के चलते थे, सीधे नहीं चल पाते थे। लेकिन आज कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जस्ट चेक करने आया था कि क्या परमेश्वर वाकई में जीवित है, और आज खुदा ने छुआ, जैसे फायर प्रे हुई और ये भाई चलने लगे हैं। यीशु के मसा तो ना चीजे ना जानना, यीशु का मसा खुदिया हो पाता है। इसलिए मैंने कहा कि विरोध तुम्हें ब्लेस करने के लिए है। तारीफ करो जोर से। तो देखा आप लोगों ने कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन को बदला है, और कैसी टेस्टिमनी इस भाई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है। और अब चाहे कितना भी विरोध हो, कितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के चाहे वो हमारे विरोध में खड़े हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसके काम जिंदा है, और वो अपनी मौजूदगी को बताता भी है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई बहनों। और ये भी है कि जितना हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा तो जो विरोधी लोग हैं, चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे वो किसी राज्य में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, वो लोग उससे भी ज़्यादा प्रचार कर देते हैं। क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रचार विरोध से होता है ना, उससे बहुत कम प्रचार ही हम लोग कर पाते हैं। जिनके घर पे जा जाकर हम प्रचार नहीं कर पाते, वो लोग अपने आप विरोध की वजह से जान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो सीखते हैं, वो जाँचते हैं कि सर्च करते हैं इंटरनेट पर, कहीं कहीं सर्च करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, टेस्टिमनियां देखते हैं, तो उनका विश्वास बढ़ता है और वो लोग विश्वास में आते हैं। और जैसे वो विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में भी कार्य करते हैं, और जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करे वो विश्वास ना करे, ये हो नहीं सकता। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।